हर साल की तरह इस साल भी चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर चरोदा स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पुजारी संतोष शर्मा द्वारा पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर ज्योति कलश की स्थापना की गई। चैत्र नवरात्रि बसंत नवरात्रि के नाम से जाना जाता है और आज से हमारी ये 9 दिन की पूजा भक्ति भाव प्रारंभ हो गई है। हमारे यहाँ 421 अभी ज्योति कलश प्रज्वलित की गई है। लोगों की आस्था और भक्ति को देखते हुए हनुमान जी के प्रति जो प्रेम बनी हुई है वो निरंतर मैं 38 साल से देख रहा हूँ कि जितने लोग हैं उनकी आस्था भगवान हनुमान जी के प्रति माँ जगदम्बा के प्रति बढ़ती ही जा रही है, कोई कम नहीं है। आज देखिए इतनी भीड़ भाड़ के साथ आज पहला दिन का नवरात्रि जो है प्रारंभ हुआ। इसी तरह से यह क्रम जो है यह 9 दिन चलती रहेगी और सुबह की हम इसी आरती का कार्यक्रम जो है 7:30 बजे होगी। इनके पहले हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ होगा। शाम की आरती जो है 6:30 बजे होगी और उसमें शाम को भी हनुमान चालीसा की पाठ होगी। इस तरह से आज मंगलवार को चालू हुआ, मंगलवार को अष्टमी का कार्यक्रम होगा और बुधवार को नवमी का कार्यक्रम होगी और उसके बाद एक मंगलवार जो है आगे उसमें श्री प्रभु हनुमान जी के हनुमान जयंती समारोह जो है वो संपन्न होगी। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि यह जो समय होती है वो संधि काल का होता है ऋतुओं का और ऋतुओं के कारण मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ती है। इस कारण से हमारे भगवान की कृपा से और भगवान की असीम कृपा से हम लोग जो है दो नवरात्रि जो मानते हैं वो श्वास के लिए लाभदायक है और निश्चित तौर पे उनकी भक्ति करना चाहिए और उनसे यही मांगना चाहिए कि भगवान हमारे परिवार सहित हमको आप स्वस्थ रखें। बोले बजरंगबली की जय।